सबसे पहले मैं लॉर्ड मैकाले को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे महान पुरुष समाज में कम पैदा होते हैं जो समाज को गति, दिशा और दशा बदलने में उनकी काफ़ी अहम भूमिका होती है। लॉर्ड मैकाले ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होने के बाद हमारे देश में आए थे और वो नवयुवक के रूप में थे। उनको बहुत अच्छा ज्ञान था सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और भारत की जो दशा थी, यहाँ की जो सामाजिक स्थिति की दशा थी, उसके बारे में लॉर्ड मैकाले को भी काफ़ी अनुभव था, काफ़ी अध्ययन था, काफ़ी ज्ञान था। लोग अक्सर कहते हैं, ये सुना जाता है कि अंग्रेज़ों ने जो नीति बनाई थी डिवाइड एंड रूल की और अंग्रेज़ों ने इस देश को सिर्फ लूटा। मैं इस विचार सहमत नहीं हूँ कि अंग्रेज़ों ने इस देश को सिर्फ लूटा है। अंग्रेज़ों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आज जो औद्योगिक क्रांति है या टेक्नोलॉजी जो क्रांति है या ये कहें कि मेडिकल लाइन की जो क्रांति है, जो आज हम अंतरिक्ष में जाते हैं, उसमें अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में परंपरा के रूप में मानवीय मूल्यों के विपरीत थी। अंग्रेज़ों ने उसको समझा और उसको रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। जैसे हमारे देश में जब मूवमेंट चल रहा था आज़ादी की, उसके पहले राजा राम मोहन राय थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है यहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। उसी कड़ी में लॉर्ड मैकाले को हम देखते हैं। लॉर्ड मैकाले ने एक कहा जाए तो इंडिया में, भारतवर्ष के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। सबसे पहले वो जो है हम जानते हैं उनको, जो क्राइम की व्यवस्था थी इंडिया में, क्राइम क्या है, क्राइम का पनिशमेंट क्या है। मैं जब एलएलएम का स्टूडेंट था तो उसमें मुझे पढ़ने को मिला था एक निगम साहब की किताब थी क्रिमिनल लॉ की। अच्छा। मैं जब एलएलएम कर रहा था तो मेरा क्रिमिनल लॉ का पेपर था। हाँ। तो दो पेपर थे क्रिमिनल लॉ के हमारे। हाँ। एक थियरी एंड पनिशमेंट था और एक क्रिमिनल हिस्ट्री थी। तो पूरी हिस्ट्री दी हुई है उसमें, वो भी किताब तो सवर्णों ने लिखा है हमारे सब। तो वो किताब मिलती बिकती भी नहीं है। वो किताब हमको हमारे मित्र हैं यहाँ टीचर हैं, तो उन्होंने फोटो कॉपी करा के दिया था मुझे, अभी भी वो किताब मेरे पास है। तो उसमें क्या लिखा है, मनुस्मृति का? हाँ, यस, हाँ हाँ। अब अगर हमें फिर कभी मौका दोगे तो पूरा हम प्रोविजन सहित बताएंगे, क्योंकि हम तैयार होके आएंगे। क्रिमिनल लॉ में दिया हुआ है, क्रिमिनल लॉ की हिस्ट्री जो है मेरा पेपर था, उसमें क्राइम के बारे में पूरी इतिहास दिया हुआ है और इस देश में क्राइम की क्या व्यवस्था थी, कहाँ मेंशन था, उस किताब में लिखा हुआ है, निगम साहब की किताब में। मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें दर्ज थीं, लिखा पढ़ी में मिलता है कि यहाँ का जो पनिशमेंट था, जो क्राइम था, क्राइम बताया गया था क्या क्या क्राइम होगा और क्राइम के पनिशमेंट क्या क्या होंगे। उनमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि जो न्याय देने की व्यवस्था थी, पनिशमेंट देने की व्यवस्था थी, वो जातिगत आधार पर थी। उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि मनुस्मृति में ये व्यवस्था थी कि ब्राह्मण अगर मर्डर करेगा तो उसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो शुद्ध समाज के व्यक्ति हैं, वो अपराध करेंगे तो उनकी क्या व्यवस्था होगी। पनिशमेंट देने की जो व्यवस्था थी, मृत्यु के दंड देने से लेकर देश निकाला होता था, देश निकालने की भी व्यवस्था थी। तो जो अपर कास्ट के लोग थे, ब्राह्मण विशेषकर जातियों के बारे में लिखा हुआ है कि हत्या करने के बाद भी उनको बहुत मामूली सा पनिशमेंट दिया जाता था।
जबकि दूसरे समाज के लोगों के साथ व्यवस्था थी कि वो उसको तो मृत्युदंड दिया ही जाता था, उसके परिवार को उस गांव से उस देश से निकाला कर दिया था। लॉर्ड मैकाले ने इस अमानी व्यवस्था को आईपीसी जब बनाया तो बहुत अध्ययन करने के बाद यहाँ की जो सामाजिक राजनीतिक सारी परिस्थितियाँ थीं और अपराध के बारे में जो व्यवस्थाएँ थीं जो धार्मिक किताबों में दर्ज थीं उनका बहुत अध्ययन करने के बाद आईपीसी बनाया। 1860 में आईपीसी बन गई थी, लेकिन कई डिबेट होने के बाद 1862 में संभवतः जनवरी 1862 में उसका वो लागू हुआ, आईपीसी लागू हो गई। आईपीसी पे लिखा रहता है इंडियन पिनल कोड 1860, क्योंकि 1860 में वो बन गया था। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो विभेदकारी नीतियाँ थीं इन रिस्पेक्ट ऑफ क्राइम, उसको लॉर्ड मैकाले ने बहुत अच्छी तरह समझा और उस विभेदकारी जो कानून व्यवस्था था जो मनुस्मृति में दर्ज था उसको आईपीसी के माध्यम से लॉर्ड मैकाले ने ख़त्म कर दिया। आज इस देश में कोई किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, यहाँ तक कि विदेशी भी हो, वो ये प्ली नहीं ले सकता है कि इस कानून को मैं नहीं जानता हूँ। समान दंड देने जाने की व्यवस्था आईपीसी में की गई है। तो आज समतामूलक समाज है और इस दिशा में लॉर्ड मैकाले की जो अहम भूमिका थी उसको हम भुला नहीं सकते। चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, क्रिश्चियन हो, कोई किसी भी समाज का व्यक्ति हो, और वो चाहे वो कितना बड़ा व्हाइट क्रिमिनल क्यों ना हो, बहुत बड़ा पूंजीपति व्यक्ति हो, चपरासी से लेकर के बहुत बड़े बड़े ऊंचे पद पर रहने वाले लोगों के लिए भी कानून की व्यवस्था एक दी गई है। सिर्फ कुछ हमारे संविधान में ये व्यवस्था पनिशमेंट की दी गई है, जैसे कानून चलाने की, पनिश करने की, जैसे प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेज उनको दिए गए हैं। और सामान्यतया कोई भी व्यक्ति कितना ऊंचा क्यों ना हो, किसी ऊंची जाति का हो, कितना पूंजीपति व्यक्ति हो, सबको समान व्यवस्था किया गया है। अगर वो क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो इस दिशा में हम लॉर्ड मैकाले को क्रिमिनल के क्षेत्र में, क्राइम के क्षेत्र में जो सुधार उन्होंने किया आईपीसी के माध्यम से, हम कोर्ट से उनका नमन करते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। शिक्षा के दरवाजे कुछ तथा कई समाज के लोगों के लिए ही खुला हुआ था और अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी देन कही जाएगी कि शिक्षा के दरवाजे खोलने में लॉर्ड मैकाले जैसे अंग्रेज लोगों की ही देन थी कि आज भारतवर्ष में जो भी चाहे, जैसी शिक्षा लेना चाहे, उसको खुली आज़ादी है। वो भारतीय संविधान से मिली हुई है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भारतीय संविधान है जो सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कहीं किसी को जातिगत आधार पर या किसी अन्य आधार पर रोका नहीं गया है। हाँ, भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो भी शिक्षा का दरवाज़ा ही खोलने के लिए किया गया, क्योंकि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो, उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता, इतना संसाधन नहीं होता कि वो शिक्षा अर्जित कर पाएँ। इसलिए भारतीय संविधान में उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छे तरह से समझा था यहाँ की अनटचेबिलिटी के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को रखते थे, उठाते थे, और यही एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो यहाँ के समाज की जो वास्तविक स्थिति थी उसको बाबा साहेब रिप्रेजेंट करते थे अंग्रेज़ों के सामने। और तमाम ऐसे दकियानुसी कानून था जो धार्मिक किताबों में दर्ज थे, उनको अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद एबॉलिश करने का प्रयास किया। इसलिए मैं आज लॉर्ड मैकाले को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ
और उनका कोटसा नमन करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों से समाज की दिशा और दशा बदलती है।